जापान में शुक्रवार शाम को एम्पिल तूफान पूर्वी तट से टकराया जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बताया है तूफान की वजह से राजधानी टोक्यो सहित कई पूर्वी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। जिसके बाद प्रशासन ने जापान के पूर्वी इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने के आदेश दिए कई जगहों से लोगों के घायल होने की सूचना भी आ रही है तूफान दो किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है